ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। आज जानकारी लेके आए हैं श्रावणी पूर्णिमा के बारे में। श्रावणी पूर्णिमा का महा उपाय जो बुरे समय और दुर्भाग्य को काट देता है। वैसे तो जब पूर्णिमा होती है उस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, और उस दिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सत्यनारायण की कथा का भी पाठ करवाते हैं, जो बहुत शुभ होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा उनके घर में हमेशा बनी रहती है। लेकिन इस श्रावणी पूर्णिमा भगवान शिव को समर्पित है। वैसे तो पूरा सावन भगवान शिव को समर्पित है। सावन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी लोक पे विचरण अवश्य करते हैं। सावन का महीना इसलिए भी खास है क्योंकि सावन के महीने में समुद्र मंथन की घटना हुई थी, जिसमें हलहल विष निकला था और भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से भगवान शिव नीलकंठ भी कहलाते हैं। सावन का आखिरी दिन जिस दिन श्रावणी पूर्णिमा होती है, उस दिन अगर आप एक महा उपाय करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे कष्टों का अंत हो जाता है, बहुत सारे समस्याओं का अंत हो जाता है और आपके दुर्भाग्य का अंत होकर आपका सौभाग्य शुरू हो जाता है, या आपका भाग्य चमकने लगता है, या आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। तो ऐसा उपाय क्या है? तो आपको क्या करना है, आपको बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री जो तीन दल की होती है पूरी लेनी है, तीनों दल होने चाहिए उस बेलपत्री में। कोई भी बेलपत्री कटी नहीं होनी चाहिए, फटी नहीं होनी चाहिए या मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए। उस बेलपत्री में आपको ओम एक पत्री में लिखना है, दूसरी पत्री में लिखना है नमः, तीसरी पत्री में लिखना है शिवाय। इस तरह से आपको 21 बेलपत्री तैयार करनी है, 21 बेलपत्री, जिसमें सभी में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखा होगा। ओम नमः शिवाय लिखने के लिए आप जो चंदन का इस्तेमाल करेंगे, चंदन या तो सूखा होगा या फिर गीला वाला। अगर आपके पास सूखा वाला चंदन है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उस गंगा जल से मिला के आप चंदन से आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। ओम एक पत्री में, नमः एक पत्री में, शिवाय एक पत्री में। इस तरह से आपको 21 बेलपत्री तैयार करनी है। गीला चंदन है तो उसमें गंगा जल मिलाने की जरूरत नहीं, वैसे भी गीला होगा तो आप उससे भी ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। इस तरह से आपको 21 बेलपत्री यानी 21 बेलपत्री तैयार करनी है। और श्रावणी पूर्णिमा के दिन आपको सुबह, अगर आपको समय मिलता है तो बहुत सुबह, नहीं सुबह समय मिल पाता है तो आप दिन में कभी भी जा सकते हैं या आप शाम को जा सकते हैं, और शिव मंदिर में जाके आपको शिवलिंग पे ये बेलपत्री अर्पित करनी है। बेलपत्री अर्पित करने से पहले भगवान शिव को जल अर्पित अवश्य करिएगा। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा और थोड़ा सा चंदन मिला के, या केसर हो केसर मिला के आप जल अर्पित करिएगा और ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। उसके बाद में आपको ये बेलपत्री एक एक करके शिवलिंग पे अर्पित कर देनी है। और जब भी आप एक बेलपत्री अर्पित करेंगे और आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी करना है। इसी तरह से आप 21 बार बेलपत्री अर्पित करिए और 21 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा और जो आपका दुर्भाग्य है उसका अंत हो जाएगा। उसके बाद मंदिर में कहीं पे भी किनारे आपको या शिवलिंग के पास अगर आप बैठ सकते हैं तो वहाँ बैठ जाइए और हाथ जोड़ के भगवान भोलेनाथ से अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करिए और अपने दुर्भाग्य को ख़त्म करने के लिए उनसे प्रार्थना करिए। ये उपाय आपके दुर्भाग्य को खत्म कर देगा, आपके जो कष्ट हैं उनका निवारण कर देगा। अगर आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं तो आपको वहां बैठ के 108 बार कम से कम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः का जप करना है। अगर आप 108 बार ये जप करते हैं वहाँ बैठे बैठे भगवान शिव के मंदिर में, तो आपके जीवन में जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनसे आपको निजात मिल जाएगी और आपके पति पत्नी के जो संबंध हैं उनमें भी निजता आ जाएगी और पति पत्नी के संबंध में बहुत प्रेम बढ़ जाएगा। चाहे महिलाएँ हों या पुरुष हों, दोनों लोग ये उपाय कर सकते हैं। और ओम गौरी शंकराय नमः का जप अवश्य करिएगा अगर पारिवारिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।